नमस्कार, क्रिस्टल्स और हम के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत। हम लोग बात करते हैं अपने करियर के लिए, फाइनेंस के लिए, घर के रिलेशंस के लिए, आपस में एक संबंध अपने करियर के लिए, और इन सब में कैसे कैसे हम क्रिस्टल्स को यूज़ करते हैं। आपने कई एपिसोड्स में देखा, आप लोगों ने, कईयों ने इन क्रिस्टल्स को यूज़ भी किया। आज हमारे साथ एक हिमांगी आई हैं पुणे से, तो उन्होंने कहा कि उनको भी कुछ क्वेरी है। रिकॉर्डिंग का टाइम था, हमने कहा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप आइए और आप भी डिस्कस करिए, और लोगों को भी उनके हो सकता है कुछ प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। तो सबसे पहले मैं हिमांगी का स्वागत करूंगा। नमस्कार। नमस्कार। यस हिमांगी, कुछ बताएं अपने बारे में। जी हाँ, मैं पूना से हूँ और आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। मैंने अभी क्लिनिकल साइकोलॉजी का लास्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया है। बहुत बार मैंने आपका प्रोग्राम देखा है, और एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मुझे हमेशा ये लगता है कि मानस शास्त्र, मतलब इंसान का जो मानसिक संतुलन है, जो माइंड पावर है, वो और क्रिस्टल, इनका कुछ मेल हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये सारी के सारे जो जितने भी मिनरल्स हैं, इनके अंदर वाइब्रेशंस होती हैं, और हमारा माइंड जो है वो वाइब्रेशंस को कैच करता है। जैसे आप किसी के साथ बैठे हुए हैं तो आपको अलग अलग फीलिंग्स आने लगती हैं। जैसे ही कोई पेशेंट आएगा या कोई भी जना आएगा, तो आपको उसी तरह का थॉट प्रोसेस आना शुरू हो जाता है। वो ऐसा कैसे होता है? वो बिकॉज ऑफ दी वाइब्रेशंस ऑफ दी पर्सन। तो जब हम इन मिनरल्स को होल्ड करते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। अब ये कैसे पता कि यही पॉजिटिव है हमारे लिए? तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है, डेफिशिएंसी है, उसी हिसाब से ये मिनरल्स चलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये बहुत सारे क्रिस्टल्स रखे हुए हैं, अब आपके लिए कौन सा है? तो आप अपनी आंखें बंद करें, और आंखें जब खोलेंगे एक मिनट बाद, तो जो क्रिस्टल डेफिशिएंसी आपकी होगी, वही क्रिस्टल आपके एकदम निगाह में सबसे पहले आएगा, और आप उसे ही पिक कर सकते हैं। एक कॉमन सा एग्जांपल मैं ये बताता हूँ कि अगर आप कहीं गए हैं, मार्केट में गए हैं, तो आपको एक चीज़ देखते ही अपील करती है कि हाँ, ये चीज़ बहुत अच्छी है, यानी यही मुझे चाहिए। वो यही क्यों चाहिए? क्योंकि वही आपकी रिक्वायरमेंट है। इसको आप जिद कह सकते हो, अपना बचपना कह सकते हो, या कुछ भी कह सकते हो, ऐसा नहीं है। वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। आप जैसे कलर की बात करते हैं हम लोग, कि कलर कौन सा हमें पसंद है। आप सूट लेने गए हैं तो कभी आप कोई भी सूट ले सकते हैं, कभी आपने लाल ले लिया, कभी पीला ले लिया, लेकिन जब आप शॉप पे जाते हैं तो आपने देखा वो दिखाई चले जा रहे हैं, लेकिन एक को देख के आप अटक जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो कलर की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में है, और आपकी बॉडी इमीडिएट वो डिमांड करती है कि ये कलर पिक कर लो। मतलब जैसे आपने कहा अभी कि आपने आंखें बंद की है, और जब आप आंखें खोलते हैं तो कोई एक क्रिस्टल आपको आंखों के सामने दिखता है, मतलब वही है। इसका मतलब यह है कि खुद क्रिस्टल अपने पास आता है। Correct. कि हमारे अंदर जो वेव्स है वो उसको खींचते हैं, उसकी वेव्स और आपकी वेवलेंथ। जैसी दोनों वेवलेंथ मिलेंगी, सॉल्यूशन हो जाएगा। समझो, बहुत बार अभी किसी लेडी को ब्रेस्ट कैंसर है, और ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन उनका जो माइंड है वो इतना, वो अंदर से घबराई हुई है कि कोई इफेक्ट नहीं करता है उनके ऊपर, ना मेडिसिंस ना कुछ और चीज़ें। बिल्कुल ठीक है। तो एक तो उनका माइंड का पावर बढ़ाने के लिए वो कौन सा क्रिस्टल यूज़ कर सकती है, और सेकेंड थिंग ये है कि समझो उन्होंने वो क्रिस्टल यूज़ किया है, और वो उनके फैमिली में या फ्रेंड्स में किसी ने दिखा है कि हाँ, ये क्रिस्टल यूज़ करके इसका बहुत अच्छा हो रहा है, जैसे कि ये बाबा के पास जाके इनको बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो मैं भी उसी बाबा के पास जाऊंगी, जो भी करने का है वो सब करके आऊंगी। बिल्कुल ठीक है। तो अगर उन्होंने जो क्रिस्टल यूज़ किया है, वो तो उन्होंने किसी के पास से सजेशन लेके लिया है कि ये मेरे लिए है, तो उन्होंने वो किया, उनको उसका फ़ायदा हुआ है। बराबर। लेकिन सामने वाले इंसान को ये पता नहीं है कि उन्होंने जो लिया है वो उनको फ़ायदा हो रहा है, बिकॉज कि उन्होंने किसी एक्सपर्ट के पास जाके उसका सॉल्यूशन मांगा है। तो सिर्फ उनका देख के वो क्रिस्टल यूज़ करना शुरू करेंगे, तो उसका इफेक्ट उनके ऊपर कैसे हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव, या उनको उसका फ़ायदा हो सकता है या नहीं? हिमांगी देखिए, सबसे पहले तो ये जो ब्रेस्ट कैंसर है, ये हुआ क्यों? इसके पीछे रूट कॉज है, जहाँ पर वो लेडी, उसको जब बच्चों से प्यार नहीं मिलेगा, यानी जहाँ वो माँ का रोल प्ले कर रही है और उसको माँ का रोल पूरा नहीं मिल पा रहा, लव एंड अफेक्शन नहीं मिल पा रहा, वहाँ ब्रेस्ट कैंसर होगा। ऐसे केसेस के अंदर यहाँ पे मेडिसिन से ज़्यादा बेटर
और किसी थेरेपी से ज़्यादा बेटर उसको लव एंड अफेक्शन की ज़रूरत है। अगर बच्चे उनको बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगेंगे तो आधी से ज़्यादा हीलिंग तो वहीं हो जाती है। इसके अलावा आप जब क्रिस्टल्स को यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी इसके अंदर से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, और ऐसा नहीं है कि अगर आपके अंदर से कोई चीज़ गई है या मैं उसको कर रहा हूँ तो कोई फ़र्क आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्रिस्टल आपको दिया, अब ये क्रिस्टल आपने यूज़ किया जी, इसको सिर्फ बॉडी के साथ टच कराना है, ठीक है, रात को रुमाल से बांध दिया। अब ये इसके अंदर से मिनरल्स एब्जॉर्ब होंगे, ये रिसीवर नहीं है, गिवर है, मतलब आपकी नेगेटिव ये नहीं लेगा, ये अपनी एनर्जी इसको देगा। अक्सर लोग क्या कहते हैं कि हमें ये क्रिस्टल को आपको देंगे तो हम इसको एनर्जाइज करके देंगे, इस पर कुछ मंत्र पढ़ेंगे, कुछ करेंगे। यहाँ सिर्फ मैं इतनी बात सबमिट कर रहा हूँ, ये क्रिस्टल हमें एनर्जी देते हैं, हम इन एनर्जी कहाँ से देंगे, हम कौन है जो इनको एनर्जाइज करेंगे, हम इनको एनर्जी नहीं दे सकते। इन क्रिस्टल्स को आप यूज़ करेंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी, आप इनको एनर्जी नहीं दे सकते। इन क्रिस्टल्स के साथ अगर कोई भी यूज़ करना चाहे, एक साथ भी यूज़ करना चाहे तो भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ सादे पानी से धोना ज़रूर है। और लेडीज़ में मोस्टली ये होता है कि कुछ चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती है, तो ज्वेलरी या किसी भी हिसाब से वो उसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद करती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो अगर कोई क्रिस्टल है जो मुझे शॉपिंग करते करते अच्छा लगा है, और अगर मैं ये सोचूंगी कि ये क्रिस्टल का ज्वेलरी करके मुझे पहननी है, तो उसका मुझे कितना फ़ायदा हो सकता है? 0%, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर ज्वेलरी फॉर्म में आ जाएगी वो हमारे बॉडी पे रिएक्ट नहीं कर सकती। क्यों? अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, आपने किसी चीज़ का पेंडेंट बनवा लिया, अब पेंडेंट तो आपने पहन लिया, लेकिन जब आप मूव करेंगे तो पेंडेंट बॉडी से कभी टच होगा, कभी अलग होगा, तो उसकी जो वाइब्रेशंस आपकी बॉडी में आनी चाहिए वो नहीं आएंगी। आपने देखा एक छोटा सा जो जेम होता है, जेम्स स्टोन जिसे हम कहते हैं, उसको हम लोग अंगूठी बना के पहन लेते हैं, जैसे मान लीजिए पुखराज हो गया या टोपैज हो गया। अब वो टोपैज की जब आपने अंगूठी बना के पहनी तो क्या वो बॉडी के साथ टच कर रहा है और वो रिएक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये वही टोपैज है। अब ये जो टोपैज है ये रॉ फॉर्म में है, ठीक है, अब इसको जब आपने पकड़ा हाथ में तो क्या होगा, हमारी इसकी वाइब्रेशंस मिलेंगी और बॉडी के साथ वो मूव करेगा, तो जितनी भी हमारी डेफिशिएंसी है वो उसको कंप्लीट करता है। यहाँ पे चाहे जेम हो चाहे स्टोन हो, जब तक बॉडी के साथ टच नहीं होगा तब तक उसने काम नहीं करना। हाँ, अगर आप ज्वेलरी फॉर्म में ले लेंगे तो उसका इफ़ेक्ट नील हो जाएगा। मान लीजिए आप सारे नवग्रह का पेंडेंट या माला बनवा लेते हैं जी हाँ। देखने में सुंदर है, लेकिन आप कितनी देर पहनेंगे, कभी एक दिन या दो दिन, उसका इफ़ेक्ट नहीं आएगा। एक बात और मुझे आपसे पूछनी है, मेरे घर में जब भी कोई लड़का मेरे शादी के लिए मुझे देखा जाता है, मैं कभी उसके बारे में सजेशन नहीं ले सकती कि हाँ मुझे इसी लड़के के साथ शादी करनी है। कभी मुझे किसी का क्वालिफिकेशन अच्छा लगता है, कोई दिखने में अच्छा लगता है, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी लगती है, तो ये डिसीजन मेकिंग मेरे लिए बहुत पुअर है कि कौन मेरे लिए बेस्ट है। हिमांगी, ये खाली आप ही की नहीं है, ये तो बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। हम लोग कई जगह ऑप्शंस जब आ जाती हैं तो डिसीजन नहीं ले पाते, उसके पीछे रीज़न क्या है हमें खुद ही नहीं पता, हम चाहते क्या। अगर हम अपना पूरा सेट करके चलें, जैसे एक कॉमन सा एग्जांपल मैं देता हूँ कि मार्केट जाना है और एक शर्ट खरीदनी है, तो अगर मैं डिसाइड करके चलूं कि मुझे स्ट्राइप वाली शर्ट चाहिए, ब्लू कलर में चाहिए, पतली स्ट्राइप्स हों, तो क्या होगा, आप सीधा शॉप पे जाएंगे और वो चीज़ें डिफ़ाइन करेंगे, है या नहीं है, या बजट इतने का चाहिए, और जैसे ही आप करेंगे आपका काम हो जाएगा। आप उस केस में लिंगम स्टोन को यूज़ करें, और जैसे ही आप लिंगम स्टोन को यूज़ करेंगे तो लिंगम स्टोन के अंदर आपके पास अपने आप आंसर आने शुरू हो जाएंगे। तो आप अगर देखेंगे कि लिंगम स्टोन्स की पावर, उसको सिर्फ लेफ्ट हैंड में होल्ड करके और डिसीजन आपके कैसे फास्ट होते हैं, बिल्कुल फास्ट हो जाएंगे। तो हिमांगी, आज आप आए हमारे स्टूडियो में, आपने बहुत सारी चीज़ें जानी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं पता थी जो आपके पास से मुझे मिली है। और साइकोलॉजी और क्रिस्टल्स, इनका बहुत करीबी नाता है, ये मुझे आज समझा है।
आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो दर्शकों, आप भी अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं इन क्रिस्टल्स को यूज़ करके। आप हमारा पता नोट करिए ताकि इन क्रिस्टल्स का अनुभव आप भी ले सकें। हमारा पता है 122 जैना टावर 1, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जनकपुरी, न्यू दिल्ली 110058, B1/526, जनकपुरी, न्यू दिल्ली 110058। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198992-91202। हमारा फोन नंबर है 0112553076 एंड 0114565-1615। आप हमें कॉल कर सकते हैं सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। हमारा वेबसाइट है www.satyamani.org। हमारा ईमेल आईडी है info@satyamani.org। हेमांगी, आप हमारे स्टूडियो आए, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इन क्रिस्टल्स को अपना सकते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी में एक सुखद अनुभव महसूस कर सकते हैं। इन क्रिस्टल्स को यूज़ करिए। अगले एपिसोड में मैं अनूप अग्रवाल फिर से हाजिर होऊंगा कई नई सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।